तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है इस वक्त। आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। वहां पर जो आज मंडी लगी है और जिस तरह से एक दूसरे की उंगलियां मरोड़े गए हैं और हाथों में फ्रैक्चर किए गए हैं, चांटे मारे गए हैं, तो ये अगर जमहूरियत है और जमहूरियत का हुसन है तो अल्लाह माफी रखे हमें इस जमहूरियत के हुसन से। 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का कि इतना बोझ ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम पे पड़ चुका है, कमरें उनकी टूट चुकी हैं। और अब बात करेंगे कौमी असेंबली के हंगामा खेज इजलास की, जहां पर मिनी बजट पेश कर दिया गया। अपोजिशन अरकान ने खूब शोर शराबा किया, हंगामा किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मर्द अरकान के साथ खवातीन भी पीछे नहीं रहीं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की खवातीन में झड़प हो गई। गजाला सैफी ने प्ले कार्ड छीनने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी की रुकन शगुफ्ता जमानी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। शाजिया मरी भी हुकूमती अरकान से लड़ती नजर आई। और गजाला सैफी और शगुफ्ता जमानी के दरमियान हाथापाई के बाद मामला मजीद बिगड़ गया। गजाला सैफी की उंगली जख्मी हो गई, जिसके बाद वो गुस्से से अबान से चले गईं। गजाला सैफी ने कहा कि उन्हें जंगल में जाकर रहना चाहिए, शगुफ्ता इस मुल्क में और ऐवान में रहने के काबिल नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखा दो। जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ एमएनएस बनने के काबिल नहीं है। वहाँ पर जो आज मंडी लगी है और जिस तरह से एक दूसरे की उंगलियां मरोड़े गए हैं और हाथों में फ्रैक्चर किए गए, चांटे मारे गए हैं, तो ये अगर जमहूरियत है और जमहूरियत का हुसन है तो अल्लाह माफी रखे हमें इस जमहूरियत के हुसन से। अब बात यह है कि तकरीर करने से अगर कुछ फर्क पड़ रहा होता तो जरूर सौ बिस्मिल्लाह जरूर तकरीर करे, लेकिन तकरीर के बाद क्या, इनके सिर्फ बातें ही बातें हैं और किसी के पास कोई एक्शन नहीं है। जो गरीब आदमी या आप आम आदमी, मैं गरीब की भी नहीं बात हूँ, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे, सिर्फ 2, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ, उसमें से कॉमन मैन पर 2 अरब रुपए। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से तो फिर मेरे ख्याल में हम बात सही नहीं कर रहे ना। तो जरा वजाहत कर दीजिएगा, गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है इस बजट में? देखिए, हर पाकिस्तानी जो मैं आपको 9 या 10 आइटम गिनवा देता हूँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप समझिए कि उसके ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो दवाएं इस्तेमाल नहीं करता उसके ऊपर आप समझिए कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हर पाकिस्तानी जो मक्खन इस्तेमाल नहीं करता, जो दही इस्तेमाल नहीं करता, जो देसी घी नहीं खाता, जो किताबें नहीं खरीदता, जो लैपटॉप नहीं लेता, जो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, जो अंडे सब्जी इस्तेमाल नहीं करता, जो बच्चों का दूध नहीं लेता, ये आइटम अगर आप नहीं लेते तो आप समझिए कि आप जीत गए, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये आइटम जो मैंने आपको बताया अगर आपके इस्तेमाल में हैं तो फिर बड़ी वादे तौर पर लिखा गया है कि 350 अरब रुपए के जो टैक्स एग्जेम्पशन दिए हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और इजाफी तकरीबन 250 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो ये पैकेज बन जाता है तकरीबन 600 अरब रुपए का। अब पाकिस्तान में जो हमारा लास्ट सेंसस है वो बताता है कि लगभग 3 करोड़ खानदान पाकिस्तान में रहते हैं, तो मिनी बजट के नतीजे में जो 600 अरब के टैक्सेस हैं अगर आप औसतन गिन लें तो हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो इस मिनी बजट के नतीजे में आएगा। डॉक्टर साहब, ये सालाना है या महाना है ये जो 20,000 का बोझ है? सालाना, ये सालाना आप समझिए कि अगले 6 महीने तक, क्योंकि ये 6 महीने माली साल के गुजर गए हैं तो अगले 6 महीने तक आप समझिए कि 6 महीने का इजाफी 20,000 रुपए का बोझ जो है वो इजाफी आएगा। इसमें अभी बिजली का जो बोझ है जो तकरीबन 910 अरब रुपए का इजाफी बिल इकट्ठे करने हैं वो इसमें शामिल नहीं है, और जो पेट्रोल 4 रुपए लीटर हर महीने हमारे वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया है बढ़ाना होगा वो इसमें शामिल नहीं है। तो बिजली और पेट्रोल का जो बोझ है उसको निकाल दीजिए, उसके अलावा तकरीबन 20,000 रुपया
हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर इजाफी बोझ है अगले 6 महीने के। कायम के बाद असल लीडर आप मिले हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, और मेरी इतलात के मुताबिक जो आज मिनी बजट आया है इसे IMF की शरायत पर अवाम पर आपके मुताबिक फीकस 20,000 रुपये का बोझ बढ़ा दिया गया है। आप फरमाते हैं कि इस बोझ का असर नहीं पड़ेगा जो दवाई नहीं खाता, क्या इमरान खान साहब ने कोई ऐसा कुलिया याद किया है कि बीमार ना हो, जो दही दूध नहीं पीता, कोई ऐसा इलाज किया है कि लोगों के बच्चे बट्टी खा के पेट भर लें, दूध दही ना उन्हें इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा इलाज किया कि दुनिया अनपढ़ जाहिल हो जाए, किताबें ना खरीदनी पड़े और दूध ना खरीदना पड़े, तो ये कौन सी मखलूक पर बोझ पड़ेगा? ये तो 22 करोड़ की 22 करोड़ ये चीज़ें इस्तेमाल करती है, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनमें कोई भी याशी या लग्जरी चीज़ बुज़ाहिर बादियुल नज़र में मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन मेरा खदशा भट्टी साहब बहुत ज़्यादा ये है कि इतना बोझ ऑलरेडी पाकिस्तानी आवाम पर पड़ चुका है, कमरें उनकी टूट चुकी हैं, किसी किस्म का वो जो सोशल अनरेस्ट जिसको कहते हैं कि खुदा ना करे लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए इस मिनी बजट के नतीजे। आपने इस माहौल में जहाँ पे अपोजिशन की पाकिस्तान के अवाम की जबान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं, ये जनाब स्पीकर इस पार्लियामेंट का, आपकी कुर्सी का, इसे डे ऑफ इनफेमी, ये शर्मसार हमारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है इस वक्त। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूल करें। आपने 3 साल यहाँ पे लूटमार की इजाजत दी, अगर आपने लूटमार की इजाजत ना दी होती दवाइयों वालों को, चीनी को, गंदम को, तो आपको ये नए टैक्सेस न लगाने पड़ते, बजट न लेना पड़ता। आपने लूटमार की इजाजत अपनी ATM को दी। मेरी आवाज ना बंद करें, पाकिस्तान को सरेंडर ना करें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये यहाँ पे? तो बात यह है कि अवाम के ऊपर यकीनन इसका बोझ आएगा। और जैसे भी बात हुई, मोबाइल फोन्स लग्जरी आइटम नहीं है, लग्जरी आइटम्स दरअसल वो गाड़ियां हैं जो कि यही तमाम पार्लियामेंटेरियंस और ये जो अमीर हमारा जो तबका है ना, जो होली काउस है हमारे मुल्क में, जो मुकद्दस गाय है, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल उन चीजों की दरामदाद नहीं रोकी जा रही। ये महंगी महंगी गाड़ियां, स्पोर्ट्स कार्स, वाकई इनकी दरामदाद नहीं रोकी जा रही, इनके ऊपर भारी भरकम हमारा जो इम्पोर्ट या दरामदाद का बिल है वो उस पर इजाफे पे इजाफा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उस इजाफे का, उसको नहीं रोका जा रहा है, सीधी सीधी बात है। मोबाइल फोन्स हो या जिसको भी आप लग्जरी आइटम कहकर वो मुखातिब कर रहे हैं, वो तब तक लग्जरी आइटम नहीं है जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री उसको बनाती नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपकी मोबाइल फोन्स उस तरह से नहीं बना रही है। अभी शायद कोई सैमसंग का प्लांट था या कोई इस तरह का कोई प्लांट एक लगा जरूर था, लेकिन जाहिर है उसकी उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी आपकी जो केटर करे डिमांड को मोबाइल फोन्स की।